तो कैसे हैं आप लोग। आज हम धर्मा प्रोडक्शन की आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। धर्मा प्रोडक्शन को इंडिया के टॉप प्रोडक्शन हाउसेज में गिना जाता है, जो कि माय नेम इज़ खान, केसरी राजी, अग्निपथ और लंच वॉक जैसी नोटेबल फिल्म बना चुकी है। उसके अलावा उन्होंने 2.2 और बाहुबली जैसे बड़ी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था हिंदी ऑडियंस में। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं उनकी कौन कौन सी बड़ी फिल्म आने वाली है। लाइक का बटन दबा दो। नंबर 10 सिरसा, और ये एक बहुत ही बड़ी वॉर एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा डबल रोल प्ले करने वाले हैं। फिल्म में केआर एडवाणी, जावेद जाफरी, शिव पंडित भी दिखाई देंगे। डायरेक्टर होंगे विष्णु वर्धन, जो कि बिल्ला, अरंबम, पंजा जैसे स्टाइलिश एक्शन फिल्म बना चुके हैं पावर स्टार पवन कल्याण सर के साथ। और ये फिल्म 4 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की डेट आगे बढ़ा दी गई है। और फिल्म में हम लोगों को कैप्टन विक्रम बत्रा जी की कहानी दिखाई जाएगी, जिनको परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसको इंडिया का सबसे बेहतरीन अवार्डों में गिना जाता है। बहुत क्यूट लग रहे हो दादू, मेरी दादी जिंदा होती तो पक्का आपकी सेटिंग कराया था। तेरी मम्मी नहीं है। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी, दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे दिखाई देने वाली हैं। डायरेक्टर होंगे शकुन बत्रा, जो कि एक मैं और एक तू और कपूर एंड सन जैसी वेल मेड मूवी बना चुके हैं। और ये फिल्म 2022 में रिलीज होगी। इस फिल्म में रिलेशनशिप की कहानी दिखाई जाएगी, जो कि हम सब ऐसी फिल्म इंडियन सिनेमा में अभी तक नहीं देखे हैं, ऐसा मैंने दीपिका पादुकोण ने कहा था। जी हाँ, शूट कहाँ सर पे। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म में ईशान खट्टर और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी दिखाई देने वाली है। डायरेक्टर होंगी अनुभूति कसर, जो कि अफसोस जैसी ब्रिलियंट मिनी सीरीज बना चुकी हैं। उनकी आयुष्मान खुराना के साथ डॉक्टर जी भी आने वाली है। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह भी दिखाई देंगी। फिल्म की कहानी सुमित सक्सेना ने लिखा है और ये फिल्म 2022 तक रिलीज होगी। बस एक बात कहनी थी पापा, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। ये फिल्म एक फिक्शनल स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म को बनाने वाले सरन शर्मा, जो कि अपनी पहली फिल्म से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ चुके थे, फिल्म का नाम गुंजन सक्सेना। फिल्म अच्छी फिल्म थी, फिल्म की डायरेक्शन भी मुझे बहुत सही लगी थी। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे लिखकर बताओ। और ये भी फिल्म 2022 तक ही रिलीज होने वाली है। मैं किसी की ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। तैयार हो जाओ ऐ दिले मुश्किल के बाद एक फनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के लिए। फिल्म में आलिया भट्ट और डायनेमिक एक्टर रणवीर सिंह दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्टर होंगे वन एंड ओनली करण जौहर साहब और ये फिल्म 2022 में रिलीज होगी। नंबर 5 जुग जुग जियो, और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म में हम सबको दो जनरेशन की दो कपल की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में वरुण धवन, केआर एडवाणी, अनिल कपूर साहब, नीतू कपूर, प्राजक्ता कोहली, मनीष पॉल दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग तक राज मेहता ने लिखा है, जो कि अक्षय कुमार के साथ गुड न्यूज़ बना चुके हैं। और ये फिल्म 2021 में ही रिलीज होने वाली है। ये फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म में विकी कौशल, केआर एडवाणी और भूमि दिखाई देने वाली हैं। फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर होंगे शशांक केतन, जो कि हम्प्टी शर्मा और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसे सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। ये फिल्म 2021 नहीं तो 2022 में रिलीज होगी। क्या आपको पता है इस फिल्म में विकी कौशल एक चोर का रोल प्ले करने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म में पहले वरुण धवन दिखाई देने वाले थे, लेकिन पोस्टर भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन डेट ना होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म से अपना पैर पीछे कर लिया। और ये विकी कौशल और केआर एडवाणी की दूसरी फिल्म है। उससे पहले ये जोड़ी लस्ट स्टोरी में दिखाई दे चुकी है और ये धर्मा प्रोडक्शन की पहली डार्क कॉमेडी फिल्म है। तो देखते हैं कैसे फिल्म बनती है। एंड इट्स अ पैक अप फॉर टुडे, रम्या पैक अप, पैक अप, पैक अप, पैक अप। नंबर 3 लाइगर। लाइगर फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करने वाले हैं और ये वीडी की पहली बॉलीवुड और पैन इंडिया फिल्म है। और लाइगर फिल्म की शूटिंग हिंदी और तेलुगु भाषा में एक साथ हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और ये एक स्पोर्ट एक्शन रोमांटिक फिल्म है। फिल्म में विजय देवरकोंडा एक बॉक्सर का रोल प्ले करेंगे। फिल्म में अनन्या पांडे, रामया कृष्णन, रोनित रॉय, विष्णु रेड्डी और मकरान देशपांडे भी दिखाई देने वाले हैं। राइटर और डायरेक्टर होंगे पुरी जगन्नाथ, जो कि मासी फिल्म के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि टेम्पर, मार्टिन शंकर, बिजनेसमैन और बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ये फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन एज पर माय सोर्सेज ये फिल्म 2022 में भी रिलीज होगी। और ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट के बैनर तले बनी है। और लाइगर फिल्म में हम सबको जबरदस्त एक्शन भी देखने मिलेगा, क्योंकि हॉलीवुड के स्टंट कोरियोग्राफर एंडी लॉन्ग और उनकी टीम ने एक्शन कोरियोग्राफ किया है, जो कि बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्म सिवाय और कमांडो 3 के एक्शन डायरेक्टर हो चुके हैं। अगर ये रास्ता मोहब्बत से होकर जाता
तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। तब तक बहुत ही बड़ी मैग्नम ओपस फिल्म होगी। इस फिल्म को 250 करोड़ के बजट पे तैयार किया जाएगा। फिल्म एक मल्टी स्टारर पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली। फिल्म में रणवीर सिंह है तारा सिकोई, विक्की कौशल है औरंगजेब, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, भूमि, जानवी कपूर, अनिल कपूर भी इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं एज शाहजहां। डायरेक्टर होंगे वन एंड ओनली करण जौहर, जो कि माय नेम इज खान, कभी अलविदा ना कहना, कुछ कुछ होता है जैसे ब्यूटीफुल म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना चुके हैं। फिल्म की स्क्रीन प्ले और डायलॉग सुमित रॉय ने लिखा है और ये फिल्म अभी 2022 में रिलीज होगी। फिल्म पहले 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन अभी ये फिल्म 2022 में रिलीज होगी। और इस फिल्म में हम सबको शाहजहां के चार बेटों में से दो बेटे दारा और औरंगजेब के बीच में जंग दिखाई जाएगी तख्त को लेकर। बस इतना ही नहीं, फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बस प्रेजेंटेशन सही हो और फिल्म अच्छी बने तो तख्त फिल्म बहुत ही तगड़ी कलेक्शन करेगी। साइंस सेल एंड डन। हमारे इतिहास की शान जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है। ये कौन सा अस्त्र है? सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। फिल्म को तीन पार्ट में बनाने वाले हैं और ये फिल्म 3D और IMAX में रिलीज होगी। तीनों पार्ट का बजट है 350 करोड़ और ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल सुपर हीरो फैंटेसी फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन सर, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नागा अर्जुन, डिम्पल कपाड़िया, मोनी रॉय और सौरभ गुर्जर इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करेंगे। डायरेक्टर और राइटर होंगे अयान मुखर्जी, जो कि ये जवानी है दीवानी और वेकअप सीट जैसी फिल्में बना चुके हैं और ये फिल्म का पार्ट 1 2021 में रिलीज होगा। इस फिल्म की कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी। ब्रह्मास्त्र नाम से एक पावरफुल अस्त्र है जो कि टूटकर भारत के कई जगह पर स्थापित हो चुका है। जो इस अस्त्र को ढूंढ लेगा वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। बेसिकली इस फिल्म में हम सबको अच्छाई और बुराई के बीच में एक ज़बरदस्त जंग देखने को मिलेगा। माइंड ब्लोइंग। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। और आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट करो, एक फिल्म का नाम बताओ। मैं एक ब्रह्मास्त्र के लिए वेट कर रहा हूँ, एक तख्त के लिए वेट कर रहा हूँ और बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट करो, एक नाम तो बोलना ही पड़ेगा, तो लिख कर बताओ। और लाइक नहीं किया तो लाइक तो करना पड़ेगा भाई, लाइक फेंक दो फटाफट। और किस फिल्म के लिए वेट करो, एक नाम तो छोड़ ही दो।